हमारे साथ खड़े हुए हैं मिस्टर हरविंदर जी, और इन्होंने मोटू पतलू की जो मैगजीन है उसके बारे में लिखा है। इन्होंने ही मैगजीन स्टार्ट करी थी और इतने टाइम से उसके बारे में लिख रहे हैं। तो मैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूँगी, जो कि ऑब्वियस है कि यहाँ मैडम टुसॉड्स में आपका लग चुका है मोटू पतलू का स्टैचू। आपने जब स्टार्ट किया था सोचा था इतना पॉपुलर होगा? देखें, सपने देखना हर आदमी का परम कर्तव्य है। आप सपने देखिए, सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे। अभी यही नहीं सोचा था मैंने, सोचा अभी ये लंदन में भी लगेगा, अभी ये सिंगापुर में भी लगेगा, अभी ये नॉर्वे में भी लगेगा, जहाँ जहाँ मैडम तो साथ आएगी वहाँ लगेगा। अब ये मेरी बात आज नोट कर लीजिए। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इसका फ्यूचर कहाँ होने वाला है, और सर ने पहले ही बता दिया कि बहुत लंबे प्लान्स हैं, बहुत दूर जाने वाला है ये सब कुछ। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी, तो इसके पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो आपको कहाँ से मिली? लाइक आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है क्या? नहीं, अपने आसपास से होता है। कोई भी चरित्र जो होता है वो अपने आसपास, अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपना शहर से, क्योंकि देसी करेक्टर हैं तो नेचुरली ये आप अपने आसपास की मिट्टी की खुशबू लेके आते हैं। तो जो चरित्र आपके मिट्टी की खुशबू लेके आए, अपने हिंदुस्तान की खुशबू लेके आए, क्योंकि अपने वतन से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, अपने वतन के करेक्टर से अच्छी भी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए मोटू पतलू जिंदाबाद। हमेशा सर ने जो सोचा वो कर दिखाया, क्योंकि इंडियन कार्टून बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है मोटू पतलू। तो अब मोटू पतलू तो पॉपुलर हो गया है, लेकिन बचे हैं घसीटा और झटका, तो उनका क्या आगे की क्या स्टोरी है? सीटा झटका तो ऑलरेडी उसमें आ ही रहे हैं, लेकिन और करेक्टर बहुत सारे हैं। मिन्नी है, आपका संपत चंपत है, नटखट नीटू है, बहुत सारे चरित्र हैं इस तरह के, वो भी धीरे धीरे देखिएगा, एक दिन ये सारी गैलरी उन्हीं से भरी होगी। ये मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया सर ने कि पूरी गैलरी होने वाली है यहाँ पे, पूरी गैलरी हमारे नाम होने वाली है, ये आप लिखित में ले लीजिए। ओके, तो सर ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया इसके पीछे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिया, तो ये जानना चाहेंगे कि आप हर बार इतना इनोवेशन कैसे लाते हो? इतना आपने लिख चुके हो और अभी भी इतना लिखना है, तो इनोवेशन कहाँ से आता है? मैं 22,000 से ज़्यादा किताबें लिस्टेड कर चुका हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। इनोवेशन कुछ नहीं होता, आप जब करने की लगन पर आते हो, करना चाहते हो, तो सब कुछ होता चला जाता है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी पावर होनी चाहिए। जब आप कुछ करना चाहो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो हमने देखा है कि इसके अंदर इंस्पायरिंग मैसेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, पर सोशल इश्यूज है जैसे स्वच्छ भारत ये, और एजुकेशन को बढ़ावा देना कि बच्चे थोड़ा फोकस करें पढ़ने पे भी, तो इस सब ये सब चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी आगे जाकर? स्वच्छ भारत पे अभी हमारी मैगजीन में भी आ रहा है और उस पर भी आएगा, और बहुत सारी चीज़ें, पानी बचाओ, पर्यावरण के ऊपर बहुत इश्यूज़ पर हमने इसको जोड़ा है, और ऊपर वाला चाहेगा और भी जोड़ा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन यही है, तो आप जाते जाते कुछ मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, आपकी ऑडियंस को जो कि इतना पसंद करती है मोटू पतलू को? मोटू पतलू देखते रहो, अपने माँ बाप का कहना मानो, अच्छे इंसान बनो, नेकी करो, हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी मंजिल तय करती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी सर ने सलाह दी है, तो हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार।